महाराष्ट्र में कोरोना के फेज 2 की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। शहर में सारी दुकानें नियमानुसार बंद करा दी गई हैं और पुलिस प्रशासन मनपा ने मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र में दुकानें बंद करवाई हैं। व्यापारी संगठन दुकानें बंद होने की वजह से काफ़ी नाराज़ है। व्यापारियों में इस कदर नाराज़गी है कि ये हाथों में बैनर लेकर सड़क पर उतर गए। मुंबई और ठाणे के अलग अलग जगहों से व्यापारियों के विरोध करने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये बोरीवली की तस्वीरें हैं जहां हाथ में छोटे छोटे बैनर लेकर ये व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से तस्वीरें ठाणे से भी सामने आई हैं जहां व्यापारी हाथ में बैनर लेकर विरोध कर रहे हैं और दुकानें बंद होने की वजह से काफ़ी नाराज़ हैं। हालांकि व्यापारियों ने बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर से मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। दुकानें खोलने की ये व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं। इसी तरह से मुंब्रा शहर में भी व्यापारी काफ़ी नाराज दिखे और विरोध में सड़कों पर उतर गए थे। हालाँकि पुलिस ने काफ़ी समझा बुझा कर इन व्यापारियों को शांत कराया था। विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने व्यापारियों के हित में मांग करते हुए कहा है कि व्यापारियों के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। नियम के अनुसार P1 P2 यानी कि एक दिन रोड के एक तरफ की दुकानें और दूसरे दिन रोड के दूसरी तरफ की दुकानें खुलने की शानू पठान मांग कर रहे हैं। इस दौरान जिस तरह से व्यापारियों में बंद को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और व्यापारियों के समर्थन में शानू पठान ने क्या मांग की है, सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ठाणे महानगर पालिका द्वारा किए गए लॉकडाउन के निर्णय और गाइडलाइन के लिए मुंब्रा प्रभाग समिति के अंतर्गत ठाणे के भी कई व्यापारी परेशान और कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न उपस्थित हो रहा है। रोजी रोटी कैसे चलाई जाए, जैसे कपड़ा मार्केट, कटलरी मार्केट, होटल व्यापारी, सलून और बैंकेट हॉल वाले, ऐसे कई बेचारे व्यापारी हैं जो ये सोच रहे कि हम कैसे जिए। एक तरफ पहले का जो साल है उस साल की हमारे पे फीस की मार, भाड़े की मार, मेंटेनेंस की मार, परिवार संभालने का बोझ और ये सारे के साथ अब वापस कोविड की नई गाइडलाइन और मिनी लॉकडाउन। इसीलिए मैंने आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा हूँ, साथ में हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे जी को एक पत्र लिखा हूँ और उसकी कॉपी टू पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, जितेंद्र आवाज जी और कमिश्नर और महापौर को भेजा। और ये खास तौर से मांग किए हैं कि हम ये मिनी लॉकडाउन तो कर रहे लेकिन ये सारी चीज़ें बंद हो सकती है। पेट की जो अथड़ियाँ हैं वो हमेशा चालू रह सकती है, उस पर लॉकडाउन कैसे लगा सकते हैं। व्यापारियों की जो तकलीफ है हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये खास तौर से मैंने मांगनी किया हूँ कि हमें उनको अनाज देना चाहिए। जब तक हम लॉकडाउन करते हैं, दूसरी तरीके से उनकी जो पहले की फीस है उन्हें हमें स्कूल को निर्णय देके, आदेश देके उसे माफ़ कराना चाहिए, जो कि कई स्कूल किए हैं और कई स्कूल अपनी मनमानी के से मुताबिक कर रहे नहीं है। तो ऐसे में उनको शहर ने बहुत अमीर यहाँ से बनाया है। ठाणे महानगर पालिका की जितनी भी स्कूल है, मुंब्रा प्रभाग समिति की जितनी भी स्कूल है, उन्होंने इस शहरवासियों ने उनको बड़ा किया है तो उनका भी कुछ फर्ज बढ़ता है। कई स्कूलों ने माना है लेकिन कई स्कूलें बेशरम बन के मान रहे नहीं, तो उनके ऊपर भी सख्ती लाना पड़ेगी, उनको ये भी आदेश देना पड़ेगा। और साथ ही में व्यापारियों के लिए जो अन्य व्यापारी है, अति आवश्यक सेवाओं के बाद जो अन्य व्यापारी है उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन के तौर पर उनको खोलने की इजाज़त दिया जाए, ईड ऑड और इवन के माध्यम की तरफ खोलने दिया जाए। P1 P2, हाँ, एक तरफ लेफ्ट मतलब इस तरफ लेफ्ट की तरफ एक तरफ खोलने दिया जाए तो या राइट की तरफ एक तरफ खोलने दिया जाए, या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करते हुए उनको उनकी दुकानें खोलने के दिया जाए। नहीं तो इस शहर के अंदर, ठाणे महानगर पालिका के अंदर बहुत बड़ी आर्थिक परिस्थिति, बहुत बड़ी बेरोजगारी और कहीं ना कहीं लोगों की पेट का सवाल, रोजी रोटी का सवाल, बहुत प्रश्न उपस्थित होने वाला है जो लॉकडाउन से, कोविड से बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ कोविड को हमको संभालना है, दूसरी तरफ हमको नागरिकों को कैसे उनकी समस्या है, उनकी तकलीफों को कैसे समझ सके, ये राज्य का और केंद्र का जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि केंद्र और राज्य, लोग अपने माए बाप के नाते उनको देखा जाते हैं, जैसे लोग अपने माए बाप को देखते वैसे ही सरकार को भी लोग अपने माए बाप समझते। तो माए बाप होने के नाते केंद्र सरकार और राज्य सरकार को और ठाणे महानगर पालिका को मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग, निर्णय, अहम फैसले लेना पड़ेंगे जिससे नागरिक को सुविधा मिल सके। ऐसी ही मेरी मांगनी है।